ड्रग्स मामले में हो रही है पूछताछ। WHO चीफ ने भारत को 100 करोड़ कोरोना डोज का टारगेट पूरा करने पर दी बधाई, बोले सबको साथ लेकर चलने से हुआ संभव। एनसीबी ने शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंचकर दिया नोटिस, जेल में बंद आर्यन खान से जुड़ी जानकारी मांगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, रास्ता पुलिस ने बंद किया होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात, कैबिनेट की बैठक में 3% डीए बढ़ाने का फैसला। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रायबरेली में अमृत क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन करने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया के सपने को पूरा करने का काम किया जा रहा है। अमृत क्रीड़ा महोत्सव एक अनूठे प्रयोग के तौर पर संपन्न कराया गया और इसी तरह अन्य जिलों में भी काम संपन्न कराया जाएगा। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक के प्रतिभागियों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी के पीड़ित परिजनों से मिलने पर भी जमकर निशाना साधा। गैर कश्मीरी लोगों की हत्याओं का सिलसिला कश्मीर में लगातार जारी है। वहीं सहारनपुर निवासी सगीर अहमद की भी बीते दिनों आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग की। परिजनों का कहना है कि आतंकी के मारे जाने से उनको बहुत सुकून मिला है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मुआवजा हमें नहीं दिया गया है, जबकि परिवार दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर है। परिजनों ने बताया कि सगीर अहमद ही घर का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो घर का खर्च चला रहा था। सरकार की संवेदनहीनता है, निश्चित रूप से इसके लिए सम्यक दृष्टि के तहत उन्हें काम करना चाहिए था। जो और भी इस तरह की जो मौत हुई है, अगर वहाँ दूसरे प्रदेश में उनको रियायत दी गई, सहूलियत दी गई, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी ये मुआवजा मिलना चाहिए था। और हम आज इसी सिलसिले में हमारे पार्षद हैं उसी क्षेत्र से मंसूर बदर साहब, और हमने इसीलिए आज DM साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है कि जो सगीर की जो मौत आतंकवादियों के माध्यम से हुई है वो अकेला कमाने। देखिए, हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि जो सहारनपुर के सकीर अहमद महला सराय हिशामुद्दीन के रहने वाले थे और उनके साथ जो दूसरे लोग, चाहे बिहार के हों, आपके क्या नाम पंजाब के हों, जिन लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया है आम शहरी को, उनके लिए हम मुआवजे की डिमांड करते हैं। कम से कम सेंटर की सरकार और हमारे यूपी की सरकार दोनों मिलकर इनकी मदद करें और कम से कम मुआवजा 25-25 लाख रुपए। वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आखिरी दिन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और NLT के एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद रहे। बैठक में इंजीनियर्स ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। वहीं पर ट्रस्ट ने TCS टाटा कंपनी को सौंपा, जहां पर टाटा कंसल्टेंसी डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अकाउंट पूरी तरह से डिजिटल होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो रामलला का अकाउंट संभाले। वहीं बताया गया कि पिछले 2 महीने से इस पर लगातार कार्य चल रहा है। आज इंजीनियरिंग ग्रुप में चर्चा हुई है, हमने अपना अकाउंटिंग सिस्टम TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को सौंपा है। वो धीरे धीरे अपना डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आज वो थोड़ा बहुत हमको दिखाया है हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हुई है। 2 महीने से उनके साथ कार्य चल रहा है, काफ़ी कुछ काम कर लिया है और आज ऐसा लगा
कि आगामी 2 मास में टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज TCS अपना सब कुछ तैयार कर लेगा और 2 महीने के बाद अर्थात बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारा सभी अकाउंटिंग सिस्टम टाटा कर। कोरोना के वैक्सीन लगाने में भारत ने इतिहास रच दिया है। सरकार की तरफ से दिए गए 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। लक्ष्य पूरा होते ही वैक्सीनेशन के मामले में देश नंबर 1 बन गया है। इसी कड़ी में फतेहपुर में हजुआ प्राथमिक हेल्थ सेंटर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की। कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वैक्सीनेशन के मामले में प्राथमिक हेल्थ सेंटर हजुआ भी नंबर 1 रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर चुका है। भारत ने आज सुबह 9:48 पर 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करते हुए दुनिया में मिसाल पेश करी है। भारत के लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक इस वक्त लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। वहीं केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया कराई जा चुकी है। वैक्सीनेशन की कड़ी में सिद्धार्थनगर में भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी गई। कैंप में CHO इमरान अहमद, ANM मालमती देवी सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के बौना जोत गाँव में, जहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगा करके कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पूरे देश में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद एक युद्ध स्तर पर जिस तरह से कार्य किया गया स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। एक समय था कि कोरोना जैसी महामारी से हर कोई दहशत था। इस दहशत के माहौल में इन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी गई है, लगातार परिश्रम करके जान हथेली पर लेकर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम लगातार किया जा रहा है। इन्हीं लोगों की बदौलत आज देश ने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरा किया है। आज यहाँ बौना जोत गाँव में जो कैंप लगा है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 50 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है और लगातार लोग आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन प्रचार के माध्यम से, अन्य जागरूक माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और लोगों ने वैक्सीनेशन कराना शुरू किया, जिसका आज परिणाम यह है कि कोरोना जैसी महामारी को कम करने में इस वैक्सीनेशन ने अपना विशेष योगदान दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना वॉरियर्स, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से कोरोना महामारी में, जो भीषण समय चल रहा था, किस प्रकार से लोगों का वैक्सीनेशन किया, कैसा इन्हें उस समय आभास हो रहा था। हाँ सर, क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। आप किस पद पर हैं? CHO के पद पे हैं जी। आज जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, लगभग कितने लोगों को लगा है? 52 लोग को अभी वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से 33 फर्स्ट डोज के हैं और बाकी सेकंड डोज के हैं। तो वैक्सीनेशन जो चीज पहले समस्या आ रही थी, अब आज के समय में वो समस्या आ रही है, लोग लगवा रहे हैं खुशी खुशी। हाँ, लोग लगवा रहे हैं खुशी खुशी लगवा रहे हैं। और एक समय ऐसा था जब महामारी का पूरा दौर चल रहा था, आप लोग लगातार वैक्सीनेशन कर रहे थे, ऐसे समय में आप लोगों को कैसा लग रहा था, किस तरह से आप लोगों ने काम किया? नहीं सर, अभी मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है 23 सितंबर को, अभी हम न्यू ज्वाइनिंग है CHO में। जी जी, इस पद पे जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं ANM, इनके द्वारा भी लगातार इस महामारी में काम काज किया गया वैक्सीनेशन का, इन्हीं से जानते हैं कि कैसा कुछ इनका रहा। मैम, क्या नाम है आपका? मैं ANM के के पद पर हूँ और बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग छुप जा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे कहीं। वहीं प्रतापगढ़ जिले में शहीद स्मारक पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। यह दिवस 1959 को चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस पर उन शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राष्ट्र और समाज की सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस अधीक्षक सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगरा पहुंची। प्रियंका ने पुलिस कस्टडी में मारे गए सफाई कर्मचारी अरुण बाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने अरुण के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। प्रियंका ने अरुण के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 30 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने योगी सरकार पर भी सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि मैं अरुण बाल्मीकि के परिवार से मिली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सदी में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि बाल्मीकि समुदाय के 17 से 18 लोगों को अलग अलग जगहों से उठाकर थाने में ले जाया गया और फिर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। अरुण को उसकी पत्नी के सामने पीटा गया। ये बेहद ही दुखद घटना है। अरुण बाल्मीकि जी के परिवार से मिलकर आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है, दीदी सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए, वहां पे बेर। वही संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में सिसोना गांव में दलित महिला के साथ तमंचे के बल पर रेप किया गया। कई बार पीड़िता शिकायत के लिए थाने गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में परेशान होकर पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची, जहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि एसपी चक्रेश मिश्र ने महिलाओं को डरा धमका कर भगा दिया। अधिकारियों की इस तरीके की मनमानी पर पीड़िता सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई के साथ इस वक्त न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता की गुहार को सुनते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ता आगे आए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हमें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी ने भी आश्वासन फिलहाल दिया है। वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के खमरिया ग्राम पंचायत में बाढ़ का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां खमरिया रानीगंज के बीच शारदा नदी ने 50 फुट से ज्यादा पीडब्ल्यूडी रोड काटकर अपना बहाव का रास्ता बना लिया है। कई गांवों का आने जाने का संपर्क मार्ग इस वक्त टूट चुका है। जानकारी के अनुसार प्रभावित इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बाढ़ के पानी में गांव को अपनी पूरी तरह से चपेट में इस वक्त ले लिया है, जिससे कि लोगों के घरों में काफी तेज बहाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के धान की फसल और गन्ने की फसल भी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि सड़क को काट देने के बाद बहाव इतना तेज है कि लोग किसी भी सुरक्षित जगह पर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं कानपुर देहात के थाना राजपुर में आर्मी जवान के घर के बाहर एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पूना की में ट्रेनिंग कर रहे जवान पर 1 साल पहले शादी करने का लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की ने जवान के घर में ना रहने पर आत्महत्या करने की भी धमकी दे डाली। वहीं हंगामे को बढ़ता देखकर जवान के पिता ने डायल 112 को पूरे मामले की सूचना दी। पूरे मामले से अवगत कराने के बाद भी गंभीरता से न लेने का परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का इस वक्त सीधा आरोप लग रहा है। ये बात है कि हम कल शाम पाँच बजे एक बिटिया अचानक घर पे आ गई और वो हमारे दरवाजे पर बैठी है और हमने 112 नंबर फ़ोन से अवगत कराया तो साहब वो 112 नंबर वाले आ गए और उन्होंने पूछताछ की बिटिया से तो बिटिया आया कह रही है कि हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि मैं वो कर रहा हूँ ना, मैं सर 2020 में नवंबर में शादी कर रही हूँ, प्रूफ हमारे पास है नहीं, वही के पास है, मैं वाला अगर उधर दे प्रूफ हुआ है वो, अब वो मान ना रहा, हमें पता नहीं वो मान रहा घर के ना मान दे रहे, घर के हमारे सामने आना दे रहे हैं, वो एकदम उस सामने आ जाए बस ही हम चले जाने जब तक हम ऐसे ही बैठ रहे।
वहीं कोरोना महामारी को मात देने की अंतिम लड़ाई में अब भारत पहुंच चुका है। 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक लोगों को इस वक्त वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसकी खुशी अब बीजेपी पार्टी के लोग मना रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे भारत में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गोरखपुर में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने विशुनपुरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से हम सभी इस कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से अपने परिजन भी कोरोना के मरीजों से दूर रहा करते थे, ऐसे समय में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा की है, उसी के कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश भर में हम इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और उसी के दृष्टिगत आज जहां पूरे प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, उसी के तहत आज हम सब यहां आए हैं। यहां कोरोना के योद्धा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबका अभिनंदन और सम्मान का कार्यक्रम हम सब ने यहाँ किया। वहीं बिजनौर में कर्तव्य पालन करने के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों शोक सलामी देकर उन्हें पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है, जहां पर उन्हें सलामी दी गई। बताते चले कि जनपद में स्मृति दिवस के दौरान एचपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह को कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों और कोरोना काल के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के उन्होंने नाम पढ़े। जनपद के समस्त राज्य पत्रित अधिकारीगण की मौजूदगी में पुलिस स्मृति दिवस आज मनाया गया। तो बता दें कि आज पुलिस स्मृति दिवस पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिजनौर में भी शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। साथ ही उन सभी पुलिसकर्मियों को याद किया गया जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं कोरोना काल के दौरान जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी, उन सभी को आज याद किया गया और उन सभी को आज उनकी शहादत को सलामी दी गई। वहीं औरैया के विद्युत विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। अचानक हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटने से कुछ मवेशी उसकी चपेट में आ गए और मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों की मौत पर ग्रामीणों ने फौरन बवाल करना शुरू कर दिया और विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि विभाग के कर्मचारी लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि किसी बड़े हादसे की ओर ये पूरी घटना इशारा कर रही है, लेकिन फिर भी अधिकारी इस पूरे मामले पर मौन बने हुए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ इस वक्त ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सर, ये 11,000 की लाइन है और लाइन जर्जर हालत में है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सर, हमारी गाय भाई की एक गाय और एक भैंस जो कि एक महीना रह गया था अभी आने के लिए, वो खत्म हो चुके हैं। और हम सब झोपड़ पट्टी में रहने वाले हैं, कैसे गुजारा करते हैं। भाई वैसे विकलांग है, समझे, और यही तो सुनता ही नहीं है, कोई फ़ोन नहीं रिसीव करता। अगर फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए, कोई आदमी परेशान है तो उसकी सुननी चाहिए, वो कोई नहीं सुनवाई होती। सब ऊपर साहब इंसुलेटर सब टूटे हुए, सब लकड़ी के बंधे हुए, ऊपर हाथ बढ़ाओ तो तार हाथ में आ जाते हैं। कई कंप्लेंटें करी हुई हैं। वहीं अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने एक दंपति पर हमला किया। रंजिश के चलते हुई फायरिंग में महिला को गोली लग गई, जिससे महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। फायरिंग को लेकर घायल महिला ने खुलासा करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से भतीजे ने उन पर फायरिंग की है। वहीं पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामजद केस इस वक्त दर्ज कर लिया है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी है। साथ वाले बता रहे हैं कि इसको किसी ने गोली मारी है, लेकिन अभी प्राथमिक उपचार दे दिया है ऐसा लग रहा है, लेकिन कंफर्म तो एक्सरे के बाद ही होगा। इसके लिए हमने मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर कर दिया है। देखो एक्सरे में क्या निकलता है। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहगढ़ के। मैं और मेरी पत्नी राजवती हम खेत से आ रहे थे, हथगाए रास्ते में सुरजीत और प्रदीप, ये मेरे सगे भतीजे हैं और इन्होंने सुरजीत ने
गोली चलाई थी पत्नी पर, राजवती पर, और मेरा पुराना के मुकदमा चल रहा है 7-8 साल पहले का। बार बार ये धमकी देते हैं सर मेरे भतीजे, और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, या फैसला कर ले समझे, या कोर्ट में जाएगी गवाही देंगे, कोर्ट गवाही देने के लायक नहीं छोड़ेंगे समझे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा तो और सही बिया दो भी है जमीन चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत ही ज़मीन है सर। ये धमकी देते हैं सर बार बार। सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम लोहगढ़ में राजवती वाइफ ऑफ वीर सिंह खटीक, इनका कोई पुराना विवाद इनके भतीजों प्रदीप सुरजीत से चल रहा है, इसके चलते सुरजीत ने इनके गोली मार दी है, इसको मेडिकल उपचार हेतु भिजवाया गया है, विधिक कार्रवाई प्रस्तुत की जा रही है, अभियुक्तों की तलाश में दर्ज दी। वहीं उन्नाव में राजधानी मार्ग पर भीषण जाम आज देखने को मिला। उन्नाव से कानपुर जा रहे वाहन जाम में बुरी तरह से फंस गए। नवीन गंगा पुल ब्लॉक पूरी तरह से जाम हो गया। आपको बता दें कि जाम में फंसे लोगों का कहना है कि 150 साल पुराना गंगा पुल बंद होने से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। जाम में फंसे कई लोगों में से ज्यादातर लोग ड्यूटी और ऑफिस में जाने वाले लोग बताए जा रहे हैं। वहीं हरदोई में अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक व्यापारी से मोबाइल और 40,000 रुपए की लूट उन शातिर बदमाशों ने की और मौके से वो फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद एडिशनल SP ने पूरे मौके का मुआयना किया और पुलिस की तरफ से आगे की कार्यवाही इस वक्त जारी है। तो हरदोई में इस वक्त बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त बदमाशों ने एक व्यापारी को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक कर्मचारी से मोबाइल फोन और 40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एडिशनल SP ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का मुआयना किया है और पुलिस की तरफ से अब आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।